अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कुकिंग विद आमना में हम आपको वेलकम करते हैं। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चीज़ी चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम डालेंगे पैन में ऑयल, 3 स्पून हम ऑयल का शामिल करेंगे। साथ ही हम शामिल करते जाएंगे, एक एक करके हम ड्रमस्टिक शामिल करते जाएंगे। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया था, फ्लेम हमने नीचे से ऑन कर लिया है। एक एक करके हम रखते जाएंगे और अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। ड्रमस्टिक अंदर शामिल करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 स्पून नमक का, साथ ही हम मिक्स मसाला ये भी शामिल कर देंगे 1 स्पून। अच्छे से हमने इनको फ्राई करना है ड्रम स्टिक को, जब तक इसका कलर ना अच्छे से चेंज हो जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने ड्रम स्टिक फ्राई कर लिए हैं। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 गिलास पानी और इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे और सारा पानी हम इसके अंदर ही ड्राई करेंगे। 10 से 15 मिनट हम इसको अच्छे से कुक करेंगे और सारा पानी इसका हम ड्राई करके फिर आपसे मिलते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसको अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा करके इनकी बोन्स अलग कर लेंगे और चिकन अलग कर लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने चिकन अलग कर लिया है और इसकी जो स्टिक्स हैं वो हमने अलग कर ली हैं और अच्छे से हमने इनको वॉश भी कर लिया है। चिकन के हमने अच्छे से रेशे रेशे कर लिए हैं। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 हमने आलू जो हैं वो अच्छे से बॉयल कर लिए थे पहले से ही, और अभी ये भी हम इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। साथ ही हमने प्याज चॉप किया हुआ ब्रिक ब्रिक ये भी हम इसके अंदर हम शामिल करेंगे, 1 प्याज है चॉप किया हुआ। साथ ही हम मसाले शामिल करेंगे, लाल मिर्च, मिक्स मसाला, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, नमक हमने चिकन में भी पहले शामिल किया था, और ये खुश्क धनिया पाउडर, ये भी सारी चीज़ें अंदर शामिल कर करेंगे। और साथ में आप अगर चाहें तो हरी मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो जी अच्छे से हमने अपनी जो स्टफिंग है वो अच्छे से रेडी कर ली है। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे स्टफिंग के अंदर, ताकि जो हमारे जो ड्रम स्टिक हैं वो बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी से, हमारे क्रीमी से हमारे जो है ना वो ड्रम स्टिक रेडी हो। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने चीज़ डाल के भी अच्छे से इसकी स्टफिंग को रेडी कर लिया है। तो अभी हम इसको करेंगे साइड पे। इसे कोट करने के लिए ड्रम स्टिक को जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं, साथ में मैंने मैदा लिया है, साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो अंडों के अंदर हम शामिल करेंगे 1 स्पून चिल्ली सॉस, इसी के साथ हम शामिल करेंगे सोया सॉस 1 स्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने अच्छे से हमने रेडी कर लिया है अपना एग। तो अभी इसके अंदर हम शामिल करेंगे, मैदे के अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर के साथ मैदे को, क्रिस्पी और अच्छे से हमारी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से होगी। जी अभी हम स्टफिंग का लेंगे, चीज़ें हमारी जो कोटिंग के लिए हमारी चीज़ें हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो अभी हम एक हाथ पे हथेली पे एक छोटा सा बोल की शेप में थोड़ा सा लेंगे अपना स्टफिंग। तो अभी इसको थोड़ा चपली कबाब की थोड़ी शेप देंगे, इसी के अंदर हम जो स्टिक्स हैं वो रखेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ लगाएंगे, अच्छे से इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो जी ऐसे ही हमने सारे ड्रम स्टिक्स जो ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो ड्रम स्टिक है वो रेडी है, इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रम स्टिक अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम मैदे का कोट करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद हम एग का कोट लगाएंगे, अच्छे से हम इसके ऊपर एग की कोटिंग कर लेंगे अच्छे से। और अभी हम ब्रेड क्रम्स में इसको रखेंगे,
इसको साइड पे करेंगे। अच्छे से कोट कर लिया हमने इसको। इसी तरह हम सारे जो अपने ड्रम स्टिक है वो रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने ड्रम स्टिक रेडी कर लिए हैं। तो अभी हमने चूल्हे पे हमने रख लिया है पैन, पैन के अंदर हम जो ड्रम स्टिक हमने रेडी किए हैं वो डालते जाएंगे एक एक करके, और बिल्कुल लाइट आंच पे हमने इसको कुक करना है क्योंकि हमारी चीज़ें सारी पहले से कुक हुई हैं। तो सिर्फ लाइट सा हम इसको गोल्डन सा कलर देंगे, एक एक करके हम रखते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने इसकी साइड को चेंज करके तो अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है, तो अच्छे से इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इसको हम निकाल लेंगे अभी प्लेट में। अच्छे से हमारे जो ड्रम स्टिक हैं वो रेडी हो गए हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमारे जो ड्रम स्टिक हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारे चीज़ी ड्रम स्टिक रेडी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी जो आने वाली नई वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो ड्रम स्टिक है रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारा जो आज ड्रम स्टिक रेडी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।